यही कहना था कि जो लोग ये बाहर चले गए हैं उनकी जमीनें आप एक्वायर कर लो। क्यों कर लो? व्यवहारिक बात भी है, एक तो जंगल हो गए, दूसरी बात है कि आप ये समझो जो जो हमारे यहाँ ऊर्जा एक्ट होता था यूपी में, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एक्ट है वो 1950 का, उससे पहाड़ की अलग परिस्थितियों को देखते हुए ऊर्जा एक्ट अलग बनाया, तो उसमें है 10 एकड़ से ज्यादा कम जमीन का डिविजन नहीं हो सकता। ऊर्जा एक्ट में वो 10 एकड़ की जगह 3 एकड़ कर दिया था। 3 एकड़ किसके पास पहाड़ों में, उससे कम जमीन होने के कारण था वो आप बांट नहीं सकते। हम भले वो बांट देते हैं एक टुकड़ी यहाँ एक टुकड़ी वहां, लेकिन खातों में नहीं बढ़ते, तो संजय के खाते होते हैं। एक बार हम गए उन्होंने कहा हमारे खाते में 150 लोग हैं, उन 150 लोगों में कुछ चंडीगढ़ में है, कुछ बम्बई में है, कुछ कलकत्ता में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ देहरादून में है, कुछ रामनगर में है। अब हमें लोन लेना है तो हमें इतने लोगों से एनओसी लेना पड़ेगा, वोट के दफ्तर के, तो उसके मालिक संजय की खाता है, इसलिए भी दिक्कत आ रही है कई वजहों में। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, अगर आपके है अपने पोजिशन में लीजिए, अपने भाइयों को किसी को देखिए कि इसको डिजर्टेड नहीं लेनी चाहिए, उसमें जगह नहीं लेनी चाहिए, वरना हो सकता है कि कभी उसको राज्य सरकार भी अक्वायर कर सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, राज्य सरकार या करना ही पड़ेगा क्योंकि ये गंभीर समस्या है, किसी का जमीन नहीं है कुछ करने के लिए और आपने उसको इस तरह छोड़ा हुआ है। पड़ोसी राज्य हिमाचल और जो जमीन है अभी उसमें धरना से लगे हुए हैं, कोई अलॉट हो रहे हैं किसी के नाम कुछ हो रहा है, लोग जा रहे हैं, लूट मची हुई है उत्तराखंड की जमीनों की, और हम लोग जो है अपनी जमीनें छोड़ के चले आए हैं। वैसे पहाड़ों में तीव्र ढलान के कारण चलते और भूक्षरण होने से पैदावार घटती जा रही है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं जो ग्रेडियंट है जमीन का वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो उसमें भूक्षरण होगा, भूक्षरण से हर साल खेत हर जोतेंगे वो इरोजन होगा तो जो टॉप सॉइल है उसकी जो 1000 साल में 1 सेंटीमीटर बनती है तो टॉप सॉइल बह जाएगी, इसलिए तो थोड़ा हर साल बोलने को उपजाऊ क्यों नहीं खेती, इसलिए वही वो टॉप सॉइल बह रही है। तो उसका है कि हमारे पास लैंड यूज मैनेजमेंट नहीं है, हमारे पास लैंड यूज पॉलिसी नहीं है। लैंड यूज पॉलिसी आपके पास तो होगी जब आपके पास जमीन के आंकड़े होंगे। जमीन के आंकड़े आपके पास कैसे होंगे? आपने 1962 के बाद कोई बंदोबस्त नहीं किया, आपके उसमें बंदोबस्त होते थे, जब अंग्रेजों ने किया और नहीं किया, बैकेट नहीं किया, ट्रेड नहीं किया, सभी करते थे, अब वो भी नहीं होता है। वो बागवानी की सलाह देते हैं भाई ऐसे भी क्या है, ज्यादा ग्रेडिंग है तो उसमें बागवानी होनी चाहिए। लेकिन आगे हिमाचल में देखिए, आप हिमाचल में बागवानी आए, बागवानी स्टेट बन गया। हम एक बार कुल्लू गए थे, वहाँ अपर कुल्लू फ्रूट ग्रोअर